इस बीच दरभंगा से बड़ी खबर सामने आ गई। मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वीआईपी पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की खबर सामने दरभंगा से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि घर में धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी मौत हो गई। घर के अंदर छत विछत शव मिला है। पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल की घटना सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुकेश सहनी की पिता जीतन सहनी की हत्या की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि घर में धारदार हथियार से उन पर वार किया गया है और घर के अंदर शत विशत शव मिला है। हालांकि किस वजह से हत्या हुई है, कौन लोग थे, इसके बारे में अब तक खबर नहीं मिल पाई है और पुलिस इस मामले की जांच करने में अब जुटेगी। तो देखिए, एक बड़ी खबर और कह सकते हैं कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये साफ होना अभी बाकी है। और विपिन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। विपिन, आखिर ऐसा क्या हुआ, मंत्री मुकेश सहनी, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है, वजह क्या सामने आ रही है? जी बता दो कि जैसे ही सुबह हुई और उनका कमरा नहीं खुला, अगल बगल के लोग इंतजार करते रहे, फिर उनको कुछ शक हुआ, जिसके बाद उनका कमरा खोला गया। उसमें छत बिछत स्थिति में मतलब बताया नहीं जा सकता है कितने निर्दय तरीके से उनकी हत्या हुई है। धारदार हथियार से उनको जो है बार बार उन पर हमला किया गया है और ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि कोई दुश्मनी के कारण ही इस तरह की हत्या की गई होगी। लेकिन अभी बात कुछ भी स्पष्ट सामने नहीं आ रही है कि आखिर उनकी हत्या क्यों की गई है, हत्या के पीछे क्या कारण है, लेकिन ये कंफर्म है कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। जी विपिन, तो क्या उस वक्त घर में कौन कौन से लोग मौजूद थे, मुकेश सहनी से कुछ बातचीत हो पाई है? हम बता रहे कि मुकेश सहनी यहाँ नहीं रहते हैं, उनका पैतृक आवास है सुपौल में, वो चूंकि पटना में ही रहते हैं और यहाँ पर उनके जो माँ है और कुछ परिवार के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन साथ में अभी वो नहीं है, कहीं अलग वहाँ रह रहे हैं। चूंकि जो गांव है उनमें एक दो घर उनका अगल बगल में भी है, तो हो सकता है उनके साथ कोई नहीं था। चूंकि प्रारंभिक स्टेज है, अभी तुरंत लोगों ने उस सब को देखा है, तरह तरह की चर्चाएं गर्म है, लेकिन अभी उनकी हत्या के पीछे कारण क्या है और हत्या किस समय भी हुआ, इसका भी अभी ज्यादा पुलिस अभी पहुंची है, क्योंकि बड़ी खबर है, बड़ी घटना है जिसको लेकर तुरंत पुलिस एक्शन में आई है, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन उनकी हत्या से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। जी विपिन, इस घटना की अगर बात करें तो समय क्या रहा होगा, क्या रात में इस घटना को अंजाम दिया गया? हालांकि पूरी तरीके से स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन कुछ अंदाजन? निश्चित तौर पर जिस तरह से अहले सुबह उनके जैसे ही सुबह होता है और ये सूचना बाहर आती है, तो निश्चित रूप से ये घटना रात में ही घटित किया गया होगा। जिस तरह की परिस्थिति वहाँ देखने को मिली है, चूंकि जो रूम है वो भी बंद है, अंदर से बाहर से पूरी तरह से बंद रूम है, तो कहीं ना कहीं ये घटना रात में घटी है और पूरा प्लान वे में किया गया है। कुछ देर के बाद स्थितियां स्पष्ट होगी कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। जी विपिन, कुछ आसपास के लोग बता रहे हैं कि क्या कि कोई किसी लोगों का आना जाना घर पे होता था, किसी पर शक किस हुई? निश्चित तौर पर ये घर जो है, चूंकि सुपौल बाजार से थोड़ा पीछे है, हटके है और बीच खेत में बना हुआ घर है, ज्यादा वहाँ पे अगल बगल में घरें नहीं है, तो इससे भी ज्यादा अगल बगल के लोग कुछ बताने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लोग पुलिस भी पूछताछ कर रही है, लोग एक दूसरे से जानना भी चाह रहे हैं कि आखिर इतना दर्दनाक हत्या जो है इनका किया गया है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ बातें स्पष्ट नहीं हुई है कि आखिर हत्या के पीछे का साजिश क्या है, हत्या इतनी निर्मम तरीके से जो हत्या किया गया है, इसके पीछे का क्या कारण है, अभी तक कुछ खुल के नहीं आया है। विपिन, तो क्या मुकेश सहनी के जो पिता हैं वो अकेले ही घर में रहते थे, आसपास कोई परिवार वाले कोई सदस्य और नहीं रहते थे? जो अभी प्रारंभिक सूचना आई है उसमें मुकेश सहनी के माँ की रहने की बात आई है और एक सदस्य की बात आई है, लेकिन वो उनके पास क्यों नहीं थे, कहाँ थे, ये भी बातें अभी खुल के नहीं आई है। क्योंकि 65 वर्षीय लगभग 65 वर्ष की उम्र है उनकी, और जिसके बाद वो जो है वहाँ रह रहे थे गाँव में। अब जो सामाजिक माहौल है बहुत बेहतर था उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे वो सबसे घुले मिले शुरू से ही रह रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उनकी इतनी निर्मम हत्या कर देना कहीं ना कहीं कई सवाल छोड़ रहे हैं। जी सबसे पहले पता ही कैसे चला, क्या आसपास के लोग उस घर में गए, दरवाजा खुलवाया गया, कैसे जानकारी निकल कर सामने आई?
जी बता दें कि चूंकि गांव का माहौल है तो लोग एक दूसरे को नहीं देखते हैं, तो लोग जिज्ञासावश करते हैं कि अरे सुबह ये लोग बाहर आ जाते थे लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तो इस स्थिति में लोग एक दूसरे से बात किए और जब दरवाजा खोलकर देखा गया तो मृत पड़े हुए थे और उनकी स्थिति ऐसी थी कि धारदार हथियार से कई बार उन पर हमला किया गया, जिससे पूरा जो घटना देखने के बाद काफी दर्दनाक था और तुरंत लोगों ने जो है एक दूसरे तक बातें पहुंचाई और भीड़ कहे तो पूरा सुपौल जो बाजार है या गांव है पूरा उनके घर पर पहुंचा हुआ है। जी अभी पुलिस क्या वहां घटनास्थल पर मौजूद है? निश्चय पुलिस चूंकि अब पहुंच चुकी है, पुलिस को सूचना त्वरित मिली थी क्योंकि बाजार सुपौल थाना जस्ट बाजार के बगल में ही है, तो वहां से पुलिस मूव कर गई है, पुलिस पहुंच गई है, पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। अभी पुलिस भी कुछ बताने से परहेज कर रही है क्योंकि उनके पास भी जानकारियां बहुत कम अभी आई है, चूंकि घटना तुरंत की है तो धीरे धीरे परतें खुलेगी कि आखिर ये हत्या के पीछे का साजिश क्या है। जी विपिन, आपने जो तस्वीर भेजी है ये वही घर है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, इसी घर में उनके पिता रहते थे? जी मैं जो घर हम दिखा रहे हैं वही घर है जिसमें उनके पिता रहा करते थे, वही घर निर्माण था, एक घर और था उनका बताया जा रहा है जो बाजार के समीप था, एक घर ये भी है, तो इसी घर में उनकी हत्या हुई है जो घर को हम दिखा रहे हैं। जी ये थाना किस अंतर्गत आता है ये जहाँ पर ये घटना हुई है जहाँ पर वो रह रहे थे? बिरौल थाना क्षेत्र में है, चूंकि बिरौल में एसडीपीओ की भी नियुक्ति है, बिरौल थाना भी है और बिरौल अनुमंडल है, अनुमंडल बाजार जो बिरौल का बाजार है बाजार से सटे ही सुपौल बाजार है, दोनों अगल बगल में ही है, जो थाने से कहें तो महज कुछ दूरी पर ही इनका मकान है और बगल में ही थाना और अनुमंडल बिरौल के ही बगल में ये सुपौल बाजार है। जी जहाँ पर इनका पैतृक मकान है। अभी कह रहे हैं कि जो स्थिति है शव की वो छत विछत है और बड़े ही दर्दनाक तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या शव को कब्जे में पुलिस ने लिया है, शव अभी कहाँ रखा गया है? सब अभी उनके जिस मकान को हम दिखा पा रहे हैं उसी मकान के अंदर कमरे में सब है, अभी सबको छुआ भी नहीं गया है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसके परिवार के और लोग आ जाए जिसके बाद उनके मकान, चूंकि पुलिस आप देख पा रहे होंगे विजुअल में भी कि पुलिस दीवार को फांद के जो है अंदर जा पा रहे हैं, तो अंदर जाने के बाद अभी कमरे को खोला नहीं गया है, परिवार का इंतजार किया जा रहा है कि कुछ और लोग आ जाए इसके बाद खोला जाएगा। जी चलिए विपिन आपके पास आएंगे, संजय भी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, विपिन जो जानकारी दे रहे हैं कि छत विछत शव मिला है और इस तरीके से धारदार हथियार से हत्या की गई, हालांकि वजह बहुत साफ नहीं हो पाई है, आपके पास क्या इनपुट समझ में आ पा रहा है? देखिए पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिली, जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनसे भी बातचीत हुई है, मुकेश सहनी के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि मुकेश सहनी दरभंगा पहुंच चुके हैं और अभी बहुत प्रीमेच्योर्ड इन्फॉर्मेशन है, बात सही है कि इस घटना को अंजाम दिया गया है लेकिन किन लोगों ने दिया, किस कारण से दिया, फिलहाल पार्टी के लोग भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। मुकेश सहनी पहुंच गए हैं दरभंगा और फिलहाल वो अपने स्तर पर जानकारी ले रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसको राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी घटना है। मुकेश सहनी हाल के विधानसभा चुनाव में लगातार सक्रिय रहे थे और उनके पिता की जिस तरीके से ये हत्या की गई है तो तमाम तरह के सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। बहरहाल मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन का है, पुलिस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है, देखना है क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन फिलहाल राजनीतिक जो गलियारा है इस घटना को लेकर हलचल तेज हो गई है, तरह तरह के बयान भी अब आने शुरू हो गए हैं नेताओं के, देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है, क्या उन किसी पर्सनल एनमिटी से इस घटना को अंजाम दिया गया है, किस रंजिश से दिया गया है, तमाम तरह के जो सवाल है पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। घटनास्थल पर जो स्थानीय प्रशासन है उसके अधिकारी पहुंच चुके हैं, छानबीन चल रही है, अब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पुलिस किस थ्योरी पर काम करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। राहुल संजय एक चीज ये भी समझ में आ रही कि जहां जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, जिस मकान की तस्वीर देख पा रहे हैं वहां पर कोई और उनके पिता के साथ नहीं रह रहा था, उनके माँ की कभी कभी जाने की विपिन बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर जब ऐसी घटनाओं को अगर हालांकि आशंका नहीं होगी लेकिन इसके बावजूद भी अकेले रहना ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए जो जानकारी है उनकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका है, उनकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है जो पार्टी सूत्र है वो बता रहे हैं, और उनके पिताजी अकेले रहते थे और घर के जो पारिवारिक सदस्य हैं वो आते जाते रहते थे, उनके छोटे भाई मुकेश सहनी के जो है वो भी आते जाते रहते थे, और क्या वजह रही है अब ये तो अभी फिलहाल मुकेश सहनी भी बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पूरे मामले की छानबीन पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। मुकेश सहनी की क्या प्रतिक्रिया होगी, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है, क्या पर्सनल एनमिटी थी, किसी से पहले से अंदेशा जताया जा रहा था किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना राजनीतिक घटनाक्रम गलियारे से अगर देखा जाए तो। फिलहाल मुकेश सहनी अपने दल के नेताओं के साथ वहां पहुंचे हुए हैं,
पार्टी के दूसरे नेता भी घटनास्थल पर दरभंगा के लिए रवाना हो गए हैं। देखना होगा अब क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है।